नमस्कार बच्चों, अपना जो लेसन चल रहा है जर्नल एंड सब्सिडरी बुक, इसके अंदर अपने कुछ एक एंट्रियां करी थी। आगे एंट्री करने से पहले हम एक दो वर्ड के बारे में समझ लेते हैं कि ये होता क्या है, फिर उसकी एंट्री करेंगे। देखो, एक वर्ड होता है इसमें ड्राइंग्स, या जिसे बोलते हैं आहरण। थोड़ा सा इसके बारे में मैंने बताया था पहले। अब देखो, ड्राइंग या आहरण क्या होता है। एक बिजनेसमैन या एक व्यापारी अपने व्यापार में जब पैसे लगाता है, तो उसे अपने कैपिटल बोलते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वही व्यापारी अपने बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज़ के लिए, हाउस यूज़ के लिए, या बच्चों के लिए, कोई भी यूज है उसके लिए फर्म से पैसे निकाल लेता है, तो उसे अपने क्या कहते हैं, उसे अपने ड्राइंग या आहरण कहते हैं, उसे ड्राइंग या आहरण कहा जाता है। अब कई ड्राइंग कई प्रकार से हो सकती है, या तो बिजनेसमैन कैश घर पे ले जाता है, या फिर ये मान लो वो माल घर पे ले गया, या फिर ये भी मान सकते हैं कि कई बार अपनी जो असेट्स शॉप के अंदर पड़ी होती है वो बिजनेसमैन अपने घर पे ले जाता है यूज के लिए। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो ड्राइंग है। कहने का मीन, जब एक बिजनेसमैन क्या करेगा, अपने निजी प्रयोग के लिए या पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से कैश, कोई माल या फिर संपत्तियां ले जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे अपने आहरण या ड्राइंग कहते हैं। अब आहरण बिजनेस के लिए एक प्रकार का लॉस होता है, अतः ड्राइंग हमेशा डेबिट की जाती है। अब क्रेडिट किसको करें, क्रेडिट वो चीज़ होती है जिसका आहरण किया जाता है। चाहे वो कैश है तो क्रेडिट कैश को करेंगे, अगर वो माल है तो फिर परचेज को किया जाएगा, अगर कोई संपत्ति है तो उस संपत्ति को क्रेडिट किया जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको क्वेश्चन के अंदर सीधा आहरण नहीं लिखा होता, लेकिन फिर भी आपको उसे आहरण मानना पड़ता है, उसे ड्राइंग मानना पड़ता है। एज लाइक दिस, जैसे इनकम टैक्स है, तो इनकम टैक्स या आयकर वो क्या चीज़ होती है, आयकर व्यापारी की आय पर लगता है। तो ये माना जाता है लेखांकन में कि जब तक हमने प्रॉफिट निकाला, आय निकाली, तब तक का जो कार्य था वो तो क्या था, बिजनेस का था। लेकिन उससे के आगे का जो कार्य है, इनकम टैक्स पे करना, इनकम टैक्स पे करना एक ड्राइंग माना जाता है। यानी लेखांकन ये कहता है कि इनकम टैक्स अगर आपने पे किया है तो उसको आपको एक ड्राइंग मानना पड़ेगा। इसी तरह से जब एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस का इंश्योरेंस करवाता है, तो बिजनेस का इंश्योरेंस करवाना एक बिजनेस का कार्य है, अतः आप उसे ड्राइंग नहीं मान सकते। लेकिन जब एक बिजनेसमैन अपने लाइफ का इंश्योरेंस करवाता है, तो लाइफ बिजनेसमैन की होती है, जबकि सारे जो कार्य अपने करते हैं वो बिजनेस के करते हैं। तो एक बिजनेसमैन यदि बिजनेस में से अपनी ड्राइंग, अपनी JLP करवाता है, अपनी लाइफ पॉलिसी करवाता है, तो अपनी लाइफ पॉलिसी उसकी निजी मानी जाएगी, अतः ये माना जाएगा कि उसने निजी कार्य के लिए पैसे फर्म से निकाले हैं, अतः वो क्या करेगा, उसे ड्राइंग मानेगा, उसकी वही एंट्री करेगा जो ड्राइंग की करता है। तो कुछ एक प्रविष्टियाँ ऐसी होती है कि जिनके बारे में आपको स्पष्ट नहीं लिखा होता कि ये ड्राइंग है, लेकिन आपको उसकी एंट्री वही करनी पड़ती है जो अपने ड्राइंग की करते हैं। तो पहले तो आहरण क्या हो गया, जब व्यापारी द्वारा अपने निजी प्रयोग के लिए माल, कैश या कोई असेट्स निकाल ली जाती है तो वो ड्राइंग कहलाती है। तो ड्राइंग की एंट्री कैसे करेंगे वो देखो। अब बार बार में देखो, मैंने आपको जर्नल का प्रारूप बताया था, उस प्रारूप के अंदर ही आपको सवाल करना है, लेकिन अपने प्रारूप बार बार नहीं बनाते, अपने सीधी एंट्रियाँ उतारते हैं, लेकिन आपको वो कार्य उस प्रारूप के अंदर ही करना है। तो आहरण पर एंट्रियाँ क्या होगी वो देखते हैं अभी बोर्ड पे। देखो, रोकड़ यानी कैश का आहरण करने पर, रोकड़ का आहरण करने पर
अगर व्यापारी ने व्यापार से रोकड़ आहरित किया है या नगद निकाल लिया, अगर नगद पैसे निकाल लिए तो देखो ड्राइंग है, ड्राइंग बिजनेस के लिए एक हानि है और हानि हमेशा डेबिट ही होती है। तो ड्राइंग को आपको क्या करना है, डेबिट करना पड़ेगा। लेकिन जब वो कैश निकालेगा, रोकड़ निकालेगा, तो बिजनेस से जाएगा क्या, बिजनेस से कैश चला गया। तो जब बिजनेस से कैश चला गया तो क्रेडिट किसको करना है, आपको कैश को ही करना है। तो उसकी एंट्री आपको फिर क्या करनी है, ड्राइंग टू कैश करनी है। पहले आपको वही पता लगाना है कि हमने जब ड्राइंग करी है तो किस चीज़ की करी है। फिर ये पता लगाना है कि ड्राइंग करने पर कौन कौन से खाते प्रभावित हुए हैं। जैसे मान लो ड्राइंग करने पर एक ड्राइंग अकाउंट प्रभावित हुआ, वो ड्राइंग है वो बिजनेस के लिए क्या है, एक बिजनेस के लिए हानि है, अतः उसे डेबिट करेंगे। और जबकि गया क्या इससे, अपना कैश गया, तो कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, अपने विड्रॉइंग एक व्यक्तिगत खाता है, कैपिटल कौन सा अकाउंट है, कैपिटल एक व्यक्तिगत खाता है, तो ड्राइंग भी एक व्यक्तिगत खाता है। और पाने वाले को डेबिट करो, तो पाने वाला यहाँ पे कौन हो गया, पाने वाला यहाँ पर बिजनेसमैन खुद है। लेकिन कभी भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस में अपना नाम नहीं लिख सकता, इसलिए वो क्या करेगा, वहाँ पे ड्राइंग लिखेगा। तो डेबिट ड्राइंग हो गया, यानी पाने वाले को डेबिट करें तो अपने ड्राइंग को तो डेबिट करेंगे। जब उसने कैश निकाला तो बिजनेस से गया क्या, कैश। और कैश क्या है, एक वस्तु है, कैश एक वस्तु है। और जो वस्तु बिजनेस से जाती है उसे क्या करते हैं, अपने क्रेडिट करते हैं, तो टू कैश करेंगे। तो इसकी एंट्री क्या होगी, रोकड़ का आहरण करने पर ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, वो क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है, कैश अकाउंट। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसका नरेशन करेंगे, बीइंग कैश विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, बीइंग कैश विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए कैश का क्या किया है, विदड्रॉ किया है। पर्सनल यूज के लिए कैश को विदड्रॉ किया, एंट्री क्या बनी अपनी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर है माल का आहरण करने पर, माल का आहरण करने पर, अब माल का आहरण करते हैं तो माल का जब आहरण करते हैं तो डेबिट तो ड्राइंग ही होगा, क्योंकि ड्राइंग अपने लिए हानि होगी और ड्राइंग किया इसमें तो उसे डेबिट करेंगे। लेकिन क्रेडिट आपको गुड्स को करना चाहिए, लेकिन किसी भी एंट्री में गुड्स का प्रयोग नहीं होता। आप इतना ध्यान रखना कि जब आप माल का कोई भी उपयोग करते हो, आप माल को किसी भी यूज में लेते हो सिवाय बेचने के, तो आपको हमेशा वहाँ पर परचेज ही लिखना पड़ता है। चाहे आपने माल खरीदा, चाहे आप माल ने रिटर्न कर दिया, चाहे माल चोरी हो गया, चाहे माल आहरित कर लिया, कुछ भी हो सिर्फ बेचने के अलावा, तो फिर उसमें आपको क्या करना पड़ता है, परचेज वर्ड का यूज़ करना पड़ता है, न कि गुड्स का। तो इसमें डेबिट तो किसको करोगे आप, ड्राइंग को, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू माल का आहरण किया, आपको लिखना क्या है यहाँ पे, टू परचेज अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। नरेशन इसका करते हैं, क्या लिखते हैं, बीइंग गुड्स विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, बीइंग गुड्स विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, यानी पर्सनल यूज के लिए क्या किया, हमने गुड्स को विदड्रॉ कर लिया, फर्म से निकाल लिया। तो जब माल कारण करेंगे तो परचेज को क्रेडिट करेंगे, और कैश कारण करेंगे तो कैश को क्रेडिट करेंगे। कई बार ऐसे होता है कि बिजनेस से कोई असेट्स भी निकाल ली जाती है, जैसे मान लो चार चेयर्स पड़ी थी दुकान पे,
वो ऐसी पड़ी थी, अपने सोचते हैं घर पे यूज़ कर लेते हैं। अगर एक फर्नीचर का व्यापारी है तो वो अगर चेयर को घर पे ले जाता है तो वो ये मानेगा वो माल ले गया है, क्योंकि उसे बेचता है तो वहाँ पर टू परचेज ही लिखेगा। लेकिन अगर वो एक कपड़े का व्यापारी है या अदर कोई व्यापारी है और उसकी दुकान पे चेयर वगैरह पड़ी है और वो उसे घर पे ले जाता है यूज़ करने के लिए, तो आप ये मानोगे कि उसने ड्राइंग किया है वो उस असेट्स का किया है, तो फिर आपको ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू उस असेट्स का नाम लिखना पड़ेगा। तो संपत्ति का आहरण करने पर संपत्ति का आहरण करने पर डेबिट तो आपको ड्राइंग को ही करना पड़ेगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव असेट्स अकाउंट। संपत्ति का आहरण करने पर ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव असेट्स अकाउंट, ये एंट्री होगी। अब रिस्पेक्टिव असेट्स का मीन क्या है, जैसे मान लो वो चेयर है तो यहाँ पे आप टू चेयर लिखोगे, फर्नीचर है मान लो तो टू फर्नीचर लिख दिया, कोई अलमीरा है अलमीरा लिख दिया, कोई मशीन है मशीन लिख दी। कहने का मीन जो भी असेट्स होगी उसका नाम आएगा, फिलहाल हमने यहाँ पर रिस्पेक्टिव असेट्स लिखा है और जो क्वेश्चन में दिया होगा वो लिख देंगे, ठीक है। अब ये तीन एंट्रियाँ ऐसी है जिसमें आपको स्पष्ट पता लग जाता है कि ये क्या कि आपने ड्राइंग ही किया है, कि आपने ड्राइंग किया है। लेकिन दो एंट्री जो मैं अभी आपको बताऊंगा, उन एंट्रियों से ये पता नहीं चल पाता कि ये ड्राइंग है, लेकिन उसकी जो एंट्री होती है वो आपको ड्राइंग वाली ही करनी होती है। जैसे अभी बताया था, जब एक बिजनेसमैन इनकम टैक्स पे करता है तो इनकम टैक्स की एंट्री हिसाब से ऐसी होनी चाहिए, इनकम टैक्स टू कैश, क्योंकि इनकम टैक्स एक एक्सपेंसेस हो गया और एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है। जब एक्सपेंसेस पे करेंगे तो जाएगा क्या कैश, तो कैश को क्रेडिट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको एंट्री इनकम टैक्स टू कैश नहीं करनी, उसकी जगह ड्राइंग टू कैश करनी है। वो मैंने अभी आपको बताया था ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जब एक बिजनेसमैन प्रॉफिट कमा लेता है उसके बाद का जो कार्य है वो उसका पर्सनल मानते हुए ये माना जाता है कि उसने निजी आय पर टैक्स दिया है, इसलिए उसे ड्राइंग माना जाता है। तो उसकी एंट्री भी आपको ड्राइंग की तरह ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश करनी पड़ती है। तो आयकर या इनकम टैक्स पेड करने पर आयकर चुकाने पर, तो आयकर चुकाने पर एंट्री क्या करनी है आपको, वही ड्राइंग अकाउंट डेबिट और इनकम टैक्स है वो कैश में पे किया जाएगा, इसलिए क्या आएगा टू कैश आएगा। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी इनकम टैक्स जब पे करेंगे तो उसकी एंट्री आपको ड्राइंग की तरह ही करनी पड़ेगी। नरेशन क्या आएगा इसका, बीइंग इनकम टैक्स पेड, बीइंग इनकम टैक्स पेड, यानी ड्राइंग इनकम टैक्स है क्या है पे किया है, तो उसकी एंट्री बनेगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसी तरह से जब एक बिजनेसमैन अपने जीवन का बीमा इंश्योरेंस प्रीमियम चुकाता है, अब इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है, देखो अपने बीमा वगैरह करवाते हैं तो पर ईयर या सिक्स मंथ में अपने क्या करते हैं कि उसकी इंस्टॉलमेंट भरते हैं और वो इंस्टॉलमेंट ही प्रीमियम कहलाता है। आपने देखा होगा आपके मम्मी पापा जिन्होंने आपका बीमा करवा रखा है या अपना बीमा करवा रखा है, वो प्रत्येक साल छः महीने में इंस्टॉलमेंट वो भरते रहते हैं, तो वो क्या है प्रीमियम। अब प्रीमियम देखो एक तो होता है कि बिजनेस का करा, जैसे अग्नि बीमा करवाया, अग्नि बीमा बिजनेस का होता है
अगर बिजनेसमैन अपने जीवन का बीमा करवाता है, अगर एक बिजनेसमैन अपने जीवन का बीमा करवाता है तो ये माना जाता है कि उसने पर्सनल खर्चा कर दिया, क्योंकि अपने जो सारा कार्य करते हैं वो बिजनेस का करते हैं, न कि बिजनेसमैन का, और जो लाइफ पॉलिसी करवा रखी है वो उस बिजनेसमैन की करवा रखी है, और उसके लिए जो प्रीमियम भर रहे हैं तो ये मानेंगे ये उसका पर्सनल खर्चा है जिसकी पूर्ति वो बिजनेस से कर रहा है, तो उसके पर्सनल खर्चे की पूर्ति बिजनेस से हो रही है, इसका मीन ये एक ड्राइंग माना जाएगा और आपको एंट्री है वो ड्राइंग जैसी ही करनी पड़ेगी। तो जब भी आ जाए कि आपने जीवन बीमा प्रीमियम पे किया तो आप उसकी एंट्री एक बिजनेसमैन का खर्चा मानते हुए आप उसकी एंट्री ड्राइंग टू कैश करोगे। जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान करने पर जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान करने पर जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान करेंगे तो उसकी एंट्री क्या करेंगे? लाइफ इंश्योरेंस ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि अपने जो लाइफ पॉलिसी लिख नहीं सकते क्योंकि उसका पर्सनल खर्चा माना गया है, इसलिए क्या एंट्री करोगे आप? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश करोगे। तो जीवन प्रीमियम का जब भुगतान किया जाएगा बीमा प्रीमियम का तो आपको ड्रॉइंग टू कैश करना है, लेकिन नरेशन में क्या लिखना है? नरेशन में आपको वही लिखना है बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, हमने क्या किया? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वो चुकाया है। तो ये इतनी एंट्रियां होती है जिनका लेखा आपको ड्राइंग की तरह करना पड़ता है। दोबारा देखो, एक तो देखो जब सीधा माल का आहरण किया जाए, जब माल का आहरण करेंगे तो माल निकालेंगे, तो माल निकालेंगे और निजी प्रयोग के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए डेबिट तो आपको ड्राइंग को करना है, क्योंकि ड्राइंग है वो व्यापार के लिए एक तरह से हानि मान लो, चाहे फिर ये मान लो कि व्यक्तिगत खर्चा है, अब व्यक्तिगत खर्चा है और व्यक्तिगत खाता प्रभावित हुआ है, क्योंकि व्यापारी भी यहाँ पर एक व्यक्ति माना जाता है अन्य व्यक्तियों की तरह, अतः यहाँ पर व्यक्ति वो व्यापारी पाने वाला हो गया तो पाने वाले को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो पाने वाले को जब डेबिट करते हैं तो यहाँ पर उस स्वामी को डेबिट करना चाहिए, लेकिन कोई भी बिजनेसमैन अपने खातों में अपना नाम नहीं लिखता, इसलिए वो ड्राइंग लिख देता है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और जब उसने कैश निकाला तो गया क्या? कैश, कैश कौन सा खाता हो गया? वास्तविक खाता, तो उसकी एंट्री क्या करेंगे? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करेंगे। तो बीइंग कैश विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, कि कैश विदड्रॉ किया है जो पर्सनल यूज़ के लिए किया है। अब माल का आहरण करेंगे तो डेबिट तो किसको करेंगे? ड्राइंग को ही करेंगे, क्योंकि आहरण है, और लेकिन आहरण किसका है? माल का, माल का है, तो आपको माल की जगह किस वर्ड का उपयोग करना है? हमेशा परचेज अकाउंट का उपयोग करना है, सिर्फ माल को बेचने के सिवाय। जब माल आप बेचते हो या फिर उसकी सेल्स रिटर्न हो जाती है, इन दो एंट्रियों को छोड़ दो, बाकी सभी एंट्रियों में आपको परचेज वर्ड का उपयोग करना होता है, अगर आपको आपने माल को बेचने के अलावा अन्य कोई काम में लिया है। तो यहाँ पर क्या किया आपने? आहरण किया है माल का, तो एंट्री क्या बनेगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट।
फिर संपत्ति का आहरण करने पर मान लो आपने माल की जगह कोई असेट्स आहरित कर ली, यानी दुकान में कोई असेट्स पड़ी थी और वो असेट्स आप घर पे ले गए, आपने घर पर यूज़ कर ली, तो आप उसकी जगह तो क्या लिखोगे, आहरण है तो डेबिट तो आहरण को करना ही करना है, और साथ में आपने जो असेट्स निकाली है अगर क्वेश्चन में उसका नाम दिया होगा तो आप टू रिस्पेक्टिव असेट्स करोगे। अब है आयकर चुकाने पर, तो आयकर एक निजी खर्चा मानना है और निजी खर्चा मानते हुए उसकी एंट्री ड्राइंग वाली ही करनी है, तो करेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर है जीवन बीमा प्रीमियम, तो जीवन किसका, व्यापारी का, खाते किसके, व्यापार के, तो ये माना जाएगा कि व्यापारी ने व्यापार से पर्सनल यूज के लिए कोई एक्सपेंसेस पे कर दिया, तो आपको उस एक्सपेंसेस का नाम नहीं लिखना है, उसकी जगह ड्राइंग का ही नाम लिखना है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, ड्राइंग टू कैश होगी। ये जो एंट्रियां हैं वो आपको ड्राइंग के लिए करनी पड़ती हैं। अब एक बिजनेसमैन, व्यापार के लिए संपत्तियों का क्रय करने पर एक बिजनेसमैन दो प्रकार की वस्तुएं परचेज करता है, दो प्रकार की वस्तुएं, जैसे एक तो माल परचेज करता है जो उसे बेचने के उद्देश्य से ही खरीदा जाता है, एक वो कई बार माल के अलावा कुछ अन्य वस्तुएं भी परचेज करता है, संपत्ति वगैरह। जब वो संपत्ति वगैरह परचेज करता है तो आप वहाँ पर परचेज नहीं लिख सकते, आपको असेट्स लिखना पड़ता है। जैसे एक कपड़े का व्यापारी फर्नीचर परचेज कर रहा है तो वो माल परचेज नहीं कर रहा, वो असेट्स परचेज कर रहा है। एक कपड़े का व्यापारी अगर कुर्सियाँ खरीद रहा है तो वो असेट्स है, लेकिन एक फर्नीचर का व्यापारी, एक फर्नीचर का व्यापारी कुर्सियाँ खरीदता है तो वो उसके लिए माल है, एक कपड़े के व्यापारी के लिए जो कुर्सियाँ खरीद रहा है वो संपत्ति है। अब आपको जैसे एंट्रियाँ करनी है, वही बात, संपत्ति दो प्रकार से खरीदी जाती है, उधार भी खरीद सकते हो, आप नगद भी खरीद सकते हो। तो संपत्ति का नगद क्रय करने पर नगद संपत्ति खरीदोगे तो आएगा क्या बिजनेस में, संपत्ति, और जाएगा क्या, कैश। जो दो चीज़ बिजनेस में आती है उसे डेबिट करो, जो चीज़ बिजनेस से जाती है उसे क्रेडिट करो, तो दोनों ही दशाओं में आपका वस्तुगत खाता ही प्रभावित होता है, कैश भी एक वस्तुगत खाता है और असेट्स भी एक वस्तुगत खाता है। तो जो चीज़ बिजनेस में आई है उसे डेबिट करो और जो चीज़ बिजनेस से जा रही है उसे क्रेडिट करो। तो जब आपने संपत्ति का क्रय किया तो आई क्या संपत्ति, उस संपत्ति का नाम लिख देना, फिलहाल मैं रिस्पेक्टिव असेट्स लिख रहा हूँ, रिस्पेक्टिव असेट्स अकाउंट डेबिट, रिस्पेक्टिव असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आई संपत्ति, गया कैश, असेट्स को डेबिट कर दिया, कैश को क्रेडिट कर दिया। बीइंग असेट्स परचेज विद कैश, बीइंग असेट्स परचेज विद कैश, संपत्ति का नगद क्रय करने पर, संपत्ति का नगद क्रय किया तो ये एंट्री होगी। इसी तरह संपत्ति उधार भी खरीदी जा सकती है। जब अपने संपत्ति को उधार खरीदते हैं, जिस व्यक्ति से अपने माल उधार खरीदते हैं उसे तो अपने क्रेडिटर बोलते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति से अपने संपत्ति उधार खरीदते हैं उसे आप क्रेडिटर न बोलकर उसे वेंडर का प्रयोग किया जाता है, वेंडर माने विक्रेता होता है,
अगर मान लो उस पार्टी का नाम दिया हुआ है जिससे हमने संपत्ति को खरीदा है तो उसका नाम लिखना है, अगर नाम नहीं दे रखा हो तो वहाँ पर आपको वेंडर का प्रयोग करना है और वेंडर माने होता है विक्रेता। संपत्ति का उधार क्रय करने पर, जब संपत्ति का उधार क्रय करेंगे तो हमारे दो खाते प्रभावित होंगे, एक तो वो संपत्ति यानी तो वस्तुगत खाता जो व्यापार में आया है, एक कैश प्रभावित न होकर वो व्यक्ति प्रभावित होएगा या वो फर्म प्रभावित होएगी जिससे हमने वो संपत्ति खरीदी है। तो फर्म का नाम हो चाहे व्यक्ति का नाम हो, दोनों ही क्या होते हैं, व्यक्तिगत खाते होते हैं। तो व्यक्तिगत खाता यहाँ पर क्या हो गया, देने वाला हो गया, तो देने वाले को क्या करना है, आपको क्रेडिट करना है। तो जो चीज़ बिजनेस में आई उसे तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जो चीज़ बिजनेस से गई उसे क्या करोगे, आप क्रेडिट करोगे। तो रिस्पेक्टिव असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं कर सकते कि नगद नहीं गया, उस व्यक्ति या फर्म का नाम लिखेंगे जिससे हमने वो संपत्ति खरीदी है। तो टू नाम नहीं दे रखा हो, फिलहाल मैं यहाँ पे वेंडर लिख रहा हूँ, और यहाँ पर वह नाम आ जाएगा जिस व्यक्ति से हमने वो संपत्ति खरीदी है या जिस फर्म से खरीदी है। तो नरेशन क्या होएगा, बीइंग रिस्पेक्टिव असेट्स परचेज्ड क्रेडिट, यानी कि ऑन क्रेडिट उधार, यानी कि उधार हमने वो संपत्ति खरीदी है। तो नगद संपत्ति खरीदने पर एंट्री क्या हुई, आया क्या असेट्स, तो असेट्स को क्या कर दिया डेबिट, तो रिस्पेक्टिव असेट्स डेबिट हो गई। लेकिन जब असेट्स डेबिट किया तो गया भी तो कुछ है, कैश गया, तो जो चीज़ बिजनेस से जाती है उसे क्या करना है, क्रेडिट। तो टू क्या करेंगे, कैश। तो एंट्री क्या बनेगी, रिस्पेक्टिव असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर संपत्ति का उधार क्रय किया तो आई संपत्ति, लेकिन फिलहाल गया कुछ नहीं, गया कुछ नहीं, लेकिन देने वाला कौन हुआ, जिस व्यक्ति से हमने वो संपत्ति खरीदी है, तो उसका नाम आ जाएगा। अगर नाम नहीं दे रखा है तो वहाँ पर वेंडर पर वर्ड का प्रयोग करेंगे। तो संपत्ति रिस्पेक्टिव असेट्स डेबिट हो गई, वो खरीदी हमने, और टू वेंडर आ जाएगा। इस तरह से ये नगद संपत्ति और उधार संपत्ति क्रय करने की प्रविष्टियाँ हो गई। अब कुछ एक प्रविष्टियाँ आपकी और भी रहेगी, वो कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।